हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सोलमाइटी कैम्प्राय। और अभी मैं जा रही हूँ जटिंगा फेस्टिवल पे, जो हफलों पे हो रहा है। और जटिंगा फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वहाँ हर साल सैकड़ों हजारों सितंबर टू नवंबर के महीने में पक्षी वहाँ आकर आत्महत्या करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन आत्महत्या क्यों करते हैं, इसका ठोस वजह अभी तक नहीं मिला है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसे और भी ज़्यादा जागरूकता होने के लिए ये जटिंगा फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। तो आज के इस जटिंगा फेस्टिवल में यहाँ स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, वो है असम की फेमस सिंगर तिपलेला देका और फेमस ब्लॉगर होली मोली इंग्लिश मेकर। तो आज रात उन लोग परफॉर्म करने वाले हैं और साथ में यहाँ के लोकल आर्टिस्ट लोग भी परफॉर्म करेंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आप लोग मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए मेरे वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम पहुंचे हैं अब्राहम व्यू पॉइंट पे। इसे TRK भी बोला जाता है, विच मीन्स द रोड साइड किचन। हेलो एवरीवन, तो मैं जस्ट अभी TRK व्यू पॉइंट में पहुंची हूं। तो मैं अंदर जाके दिखाती हूं। बहुत बार सुना है TRK के बारे में, तो मैं अंदर जाके दिखाती हूं आप लोगों को। सर्किट हाउस की ठंडी हवा में ट्यूशन के बाद डेट में जाता कहीं से तो घर में। हाय हाय, नमस्ते आप सबको। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देख के। कब आया? मैं बस कल ही आई हूँ। कल ही? तो बहुत सुना है आपकी TRK के बारे में, तो बहुत ही अच्छा लगा आके। और ये देखो, ये है TRK का मेन्यू। जो कुछ भी आप खाना चाहते हो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ से ये नज़ारा देखो गाइस, कितना सुंदर है यहाँ। मैं ऊपर जाके दिखाती हूँ वहाँ से नज़ारा कैसा दिखता है। और यहाँ से ये नज़ारा देखो गाइस, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। इन सुंदर पहाड़ों के लिए ही हफलोंग मशहूर है। और हमारे असम में हफलोंग ही एक ऐसा जगह है जो पहाड़ी इलाका है, तो लोग इसे स्विट्जरलैंड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। खाना ख़त्म कर दिया, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैंने मोमो फ्राई खाया था। यहाँ पर कभी यहाँ पे आते हो ना, तो यहाँ कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाना। यहाँ खाना के साथ और यहाँ का व्यू बहुत ही मस्त है। तो अभी यहाँ से निकलूँगी और आप लोग को दिखाती जाऊँगी। और तो आप लोग मेरे वीडियो पर बने ही रहना। सो लेट्स गो। तो बस वक्त हो चुका था यहाँ से जाने का। सो बाय बाय TRK। तो अभी हम पहुंचा है जटिंगा बर्ड वॉचिंग टावर पे, लेकिन वहाँ ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मैं अभी ऊपर नहीं जाऊंगी। I found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, cause I don't know
बस हम पहुँच ही गए। तो हमने यहाँ पे अपना बाइक पार्किंग कर लिया, तो अभी हम लोग निकलेंगे। थोड़ा आगे चल के जाना पड़ेगा, साथ मेरे फ्रेंड भी है। और यहाँ देखो गाइस, यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल स्टॉल मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। और ये जेमी ट्राइब का ट्रेडिशनल स्टॉल है। ये है दिमासा का ट्रेडिशनल हाथ, इसे हम अपनी भाषा में नोद्रांग बोला जाता है। तो अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, तो अराउंड सिक्स तरफ में यहाँ का प्रोग्राम शुरू होगा। तो आप बहुत ही धमाका होने वाला है, तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने ही रहना। और यहाँ देखो गाइस, कितना सारा स्टॉल से, और यहाँ हर ट्राइब का अपना ट्रेडिशनल फूड को हम ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखो गाइस, ये है हमारा ट्रेडिशनल लोकल वाइन, इसे हम अपनी भाषा में जुज़मा बोला जाता है। और ये देखो, ये है नागा मोर्चा और आमला। और ये देखो कितना सुंदर है, ये है हैंडमेड स्क्रंचीज। और यहाँ देखो, यहाँ चिकन रोस्टिंग हो रहा है। और ये है स्टिकी राइस। हेलो, इनसे मिलिए। ये है दचंगा फेस्टिवल का जो ऑर्गेनाइजर लोग है। जो दचंगा फेस्टिवल जो अभी हो रहा है, तो इसका मेन मोटिव क्या है? मोटिव देखिए, ये चटिंगा फेस्टिवल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था 2010 को। हर दुनिया में बहुत लोगों को मालूम है कि चटिंगा में एक बर्ड सोसाइटी का फेनोमेना होता है, ओके। लेकिन वो जिनको मालूम है उससे ज़्यादा नहीं मालूम होने वालों का संख्या ज़्यादा है। इसलिए आदमी लोग को एक अवेयरनेस स्प्रेड कराने के लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था हमारे नॉर्थ कचरा हिल्स ऑटोनमस काउंसिल दिमासा ने। तो उस टाइम से शुरू करके बीच में काफ़ी गैप भी हुआ था। फिर हमारे प्रेजेंट जो अभी के काउंसिल बॉडी है, जो काउंसिल टीम है अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ श्री देवलाल बोलोसा जी, उन्होंने फिर से ये टेकअप किया है और ये चटिंगा फेस्टिवल को इसी मोटिव से ऑर्गेनाइज किया है। मतलब हमारी बर्ड्स को प्रिजर्व और कंजर्व कर सकें और दुनिया को भी पता चले कि हमारे दिमाग में भी ऐसा एक स्ट्रेंज फेनोमेना होता है। फेस्टिवल अभी हो रहा है, तो आप जितना भी टूरिस्ट लोग बाहर से जो आते हैं, तो उन लोग को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ये मैसेज है कि कम एंड एक्सप्लोर दिमाग हसाओ और एंजॉय कीजिए, फील कीजिए हम लोग का दिमाग हसाओ को। एंड अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप लोग के थ्रू से ही होगा, तो आप लोग का फुल सपोर्ट चाहिए हम लोग को, सो दैट वी विल इम्प्रूव आवर सेल्फ एंड यू टू विल एंजॉय द सेम। तो थैंक यू सो मच, आप लोग से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। सो सेल्फी हो रहा है।
वो लड़का जो फोटो ले रहा है उसका नाम है डेविड शर्मा, ही इज़ फ्रॉम लंदन और वो भी बहुत अच्छा वीडियोस बनाता है और उसका चैनल का नाम है डेविड्स ब्लॉग। तो अगर आपने उसका चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस हेलो, इनसे मिलिए, ये है माँ कसम। अरे यार ऐसा नहीं। और गाइस काफी अच्छा लगा है यहाँ पे आके, और इनका चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और कमेंट में माँ कसम बोलो इनके भी क्या। और बताओ कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप बताओ? मैं तो यहाँ का ही हूँ तो मुझे तो अच्छा लगेगा ही, आप बताओ आपको? माँ कसम बहुत अच्छा लगा सबसे। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच बताने के लिए। तो बाय। A few moments later. Later. Are you guys not insane? Yeah. All of the people right here are supporting us. All of the people that's paid those who like Hello Morning. Come on, make some noise, man. Now we have to dance with me, guys. I'm not interested. If you guys, let's dance. I'm not afraid.
सो गाइस, ये लोग जटिंगा फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजर और उसका पूरा टीम मेंबर्स सब ने बहुत ही मेहनत की है। इट वॉज रियली वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो बस मैं एक ही वर्ड्स कहना चाहूँगी, यू गाइस आर अमेजिंग। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। सो बिफोर गोइंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल नोटिफिकेशंस बटन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।